नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के सीजीपीएससी मेंस पर आधारित मोबाइल कोर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आगा सिंह। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब स्टेट सर्विस एग्जाम पर जो अगला पड़ाव आपके सामने है वो है मेंस का एग्जाम। इस एग्जाम पर टोटल 7 पेपर होने वाले हैं और उसमें से जो 5वां पेपर है, उन 5 पेपर के 3 भाग होते हैं जिसमें से दूसरा भाग है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, जिसे मैं डील करने वाला हूं। क्योंकि विषय का ये पहला वीडियो है तो सबसे पहले तो हमें इस पहले वीडियो की सार्थकता सिद्ध करनी होगी ये देखते हुए कि हमें इस विषय की पहचान कितनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस वीडियो में जो हम डील करने वाले हैं उसकी रूपरेखा यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले तो हम यही समझने वाले हैं कि भूगोल होता क्या है या फिर इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी विषय के लिए आपका क्यों वाला जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हम इस विषय को पढ़ें क्यों। क्योंकि जब तक आप इसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि इस विषय को पढ़ना क्यों चाहिए, खासकर हमारे लिए अर्थात सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए, तब तक आप इस विषय की सार्थकता को नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे सिलेबस में ये विषय रखा ही क्यों गया है। और इस विषय को जब आप समझेंगे, इस क्यों का जवाब जब आप खोजेंगे, तब आपकी रुचि डेवलप होगी इस विषय पर। आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, मुझे तो ये पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं, बल्कि जब मैं सर्विस पर चला जाऊँगा तब भी ये विषय मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए क्यों का जवाब सबसे पहले होना चाहिए कि विषय को पढ़े ही क्यों, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो ये है कि सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है। ज्योग्राफी वाला पार्ट सिर्फ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद जो अगला पड़ाव हमारे सामने आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और अंतिम में हम बात करने वाले हैं कि रणनीति क्या अपनानी चाहिए ज्योग्राफी विषय के लिए, कौन सी रणनीति से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, किस रणनीति से हम अपने ज्ञान को शब्द लेखन शैली के माध्यम से वहाँ पर उकेर सकें जिससे हमारा उत्तर ज़्यादा प्रभावी लगे, हमारा उत्तर ज़्यादा तार्किक लगे और दूसरों की तुलना पर हम अपने आप को बेहतर स्तर पर रख आए जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिले दूसरों की तुलना पर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको दूसरों की तुलना पर कितना ज़्यादा मिला, आपको कितने मार्क्स मिले ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दूसरों की तुलना पर कितना ज़्यादा मिला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर अपनी सीट सुनिश्चित करनी है मेरिट लिस्ट में तो आपको दूसरों से बेहतर होना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहानी की, और पहला कहानी है कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो सामान्य तौर पर जब मैं छात्रों से पूछता हूँ कि भूगोल का अर्थ आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, तो एक बहुत ही सामान्य सा उत्तर मेरे पास आता है कि पृथ्वी की पढ़ाई को हम भूगोल कहते हैं, और क्योंकि ये इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि भू धन गोल, तो भू अर्थात हम यहाँ पर धरती को ले सकते हैं जो कि गोल है, तो गोल धरती अर्थात पृथ्वी, और हम इसको पढ़ने वाले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों की समझ, आप लोगों का शब्द चयन, ये सारे चीज़ एक अच्छे स्तर पर आनी चाहिए, क्योंकि अब आप स्कूल पर नहीं हैं, कॉलेज पर नहीं हैं, अब आप अपने आप को रखने वाले हैं एक ऐसे पद के लिए जिस पद के सहारे आप लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य का निर्धारण करने वाले हैं। तो आप लोगों का स्तर, कहने का तात्पर्य जो शब्द का चयन आप करेंगे उसका स्तर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, खासकर ऐसे विषय जो ज्योग्राफी हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन विषयों पर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्म्स को ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों की अपेक्षा आप काफ़ी अच्छे दिखेंगे। लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि जब आप बात करें तो सामान्य हिंदी से या सामान्य इंग्लिश से काफ़ी हाई फाई लेवल लगे और एक सामान्य स्तर के व्यक्ति को वो समझ ही ना आए। तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप बहुत ही ज्यादा सामान्य ना लगे, और यह भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा क्लिष्ट भी ना लगे। तो चलिए हम समझते हैं कि भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है, तो उसे यहां पर कहा गया कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अब देखिए यह जो लाइन आप लोगों के सामने आया है, अगर इसे इसी तरीके से अगर आप लिख कर आ जाते हैं तो मार्क्स तो जरूर मिलेगा, लेकिन यह आपको याद नहीं होगा या फिर याद होने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे हैं ये थोड़े से जटिल हैं। चलिए इंग्लिश में भी हम समझ लेते हैं कि इंग्लिश में इसे क्या कहा गया है, कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस।
तो ये जो जटिल शब्द आपको दिखा हिंदी वाले पॉइंट में खासकर, तो इसे हम समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो आप इसे आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि जब आप लिखें तो भाषा का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए आपके आंसर शीट में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा गया है कि यहाँ पर किसका अध्ययन करता है भूगोल, तो भूगोल अध्ययन करता है भिन्नताओं का। किसका? भिन्नताओं का। लेकिन ये भिन्नताएं कैसी हैं? ये भिन्नताएं हैं तथ्यों पर आधारित, अर्थात कि कोई फैक्ट होगा, कोई पॉइंट होगा, फैक्ट होने के आधार पर ही आप वहां पर कुछ भिन्नताएं स्पष्ट कर पा रहे होंगे, कुछ डिफरेंसेस दिखा रहे होंगे। उस डिफरेंसेस को बताने के लिए कुछ तार्किक वहां पर कारण है, जिसे आप क्या कह रहे हैं? फैक्ट। और ये जो फैक्ट है वो किस पर? तो कारणात्मक रूप से, अर्थात उन फैक्ट्स के होने के पीछे का भी कुछ कारण है। तो आपसे क्या कह रहा है भूगोल? तो भूगोल कह रहा है कि भूगोल एक स्टडी है, एक अध्ययन है। किसका? भिन्नताओं का, जो तथ्यों पर आधारित है, और वो तथ्य के होने के पीछे भी कुछ कारण होंगे। तब वो तथ्य निर्मित हुए और उन तथ्यों के आधार पर भिन्नताएं स्पष्ट हुई पृथ्वी के धरातल पर, और उन्हीं भिन्नताओं की स्टडी, उसी का अध्ययन हम क्या करते हैं? भूगोल के रूप में करते हैं। अब ये मैंने कहा है क्या? तो नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, ये कहा है अल्फ्रेड हेटनर ने। ये कौन है? तो ये व्यक्ति जर्मन ज्योग्राफर है, ज्योग्राफी की दुनिया में इनका काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर योगदान देख सकते हैं। तो जब आप मेंस में आंसर लिखें, जब आप शब्दों का चयन करें, और अगर आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं और ज्योग्राफर ने अगर कुछ कहा है, कोई कोड दिया है, कोई लाइन कही है, अगर उसी लाइन को आप वहाँ पर लिख देते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के, जैसे मैंने कहा कि अल्फ्रेड हेटनर, ये ज्योग्राफी की दुनिया में काफ़ी अच्छा योगदान दिए हैं, जर्मन ज्योग्राफर थे ये, तो ऐसे व्यक्तियों के अगर आप शब्दों को उठाएं और अगर आप वहाँ पर लिखें तो मार्क्स आपको काफ़ी बेहतर मिल सकता है। देखिए, इतना भी जटिल नहीं था, समझने समझने की बात है। समझ गए तो सब आसान, और अगर नहीं समझे तो सब मुश्किल। बहुत ही सामान्य सी चीज़ भी क्या हो जाती है? बहुत मुश्किल सी लगने लगती है। तो समझ समझ कर हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपनी समझ को विकसित करेंगे। समझ समझ कर हम समझ को विकसित करते हुए अपने भाषा शैली को बढ़ाएंगे, और भाषा शैली को बढ़ाते बढ़ाते हम वहाँ पर उत्तर शैली भी अपनी विकसित करते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये कहता क्या है। इसे आसान भाषा में समझना भी तो जरूरी है कि किस प्रकार की भिन्नताएं, किस प्रकार के तथ्य, और तथ्य के पीछे कारण क्या। तो इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं भारत का। देखिए, भारत का अगर पूर्वोत्तम बिंदु अगर आप देखें, अर्थात सबसे ईस्टर्न स्टेट अगर कोई है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और अगर सबसे वेस्टर्न स्टेट कोई अगर आप देख सकते हैं तो वो है गुजरात। तो इन दो राज्यों में आपको कुछ ना कुछ भिन्नताएं तो देखने को मिलती होगी। जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर देख लें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ये दो व्यक्ति आपके सामने चले आए होंगे। अब ये जो दो व्यक्ति आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन दोनों में भिन्नताएं आपको दिख रही होगी। इनके कद काठी के अलावा इनकी वेशभूषा में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा होगा। यही है भिन्नता, ये है इन दोनों राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों की भिन्नता। अब ये भिन्नता किन्हीं तथ्यों पर आधारित होगा, और वो तथ्य क्या हो सकते हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो तथ्य क्या हो सकते हैं। तो दो व्यक्ति आपको दिख गए और उन तथ्यों के पीछे का कारण, तथ्य, ये सब समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कारण बनता है वो बनता है स्थिति एवं विस्तार। अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को देखें तो आप ये पाएंगे कि दोनों की जो देशांतरी स्थिति है वो काफ़ी दूर है। लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री का अंतर इन दोनों की स्थिति पर बना हुआ है। अब ये 30 डिग्री का अंतर क्या करता है? तो दोनों के जीवन पर कुछ अंतर लेकर आता है, और वो अंतर सबसे पहला तो यही है कि अरुणाचल प्रदेश में जो व्यक्ति रहता है वो 2 घंटे पहले जग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सुबह पहले होने वाली है, और गुजरात का जो व्यक्ति है वो तुलनात्मक रूप से 2 घंटे बाद उठेगा सुबह, क्योंकि सुबह वहाँ 2 घंटे बाद होती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में भिन्नताएं सबसे पहले तो सुबह, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके स्थिति के कारण यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मेरी समझ के आधार पर आप ज्योग्राफी को समझें तो मैं ये कहता हूं कि भूगोल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भूगोल जो है वो स्टेज तैयार करता है, वो एक मंच तैयार करता है, और उस मंच पर कलाकार कलाकृति दिखाते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे कि
ये कलाकार हैं कौन? मेरे और आपके जैसे लोग ही हैं। जैसे ये दो व्यक्ति हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो व्यक्ति है और जो गुजरात का व्यक्ति है, दोनों कलाकार हैं समझ लो। और इन दोनों का जो जीवन है वो क्या है? एक परफॉर्मेंस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जो भी करते हैं वो उनकी कहानी है और उस कहानी पर वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। अब ज्योग्राफी कैसे स्टेज बनाता है? तो ज्योग्राफी जो है वो इनके लिए एक स्टेज तैयार करता है। अर्थात दोनों ही कलाकारों को सबसे पहले तो उनके दोनों अलग अलग क्षेत्रों पर परफॉर्मेंस शुरू होता है। परफॉर्मेंस शुरू होने की कहानी अलग है। जन्म के बाद उनकी शिक्षा की कहानी अलग है। आगे चलकर जब वो युवा अवस्था पर आते हैं तो दोनों की जो आर्थिक गतिविधि होगी वो भी अलग होगी। और वो भी किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन पर, उनके भौगोलिक परिस्थितियों पर। तो अगर आप किसी एक क्षेत्र पर, जैसा कि मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये दो क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों की जो भी भौगोलिक स्थितियां हैं, ये भौगोलिक स्थितियां एक प्रकार का स्टेज है। अर्थात वहां पर सूर्य कब आता है, वहां वर्षा कब होती है, किस प्रकार की मृदा वहां पाई जाती है, किस प्रकार की वहां पर जलवायु है, किस प्रकार की कृषि की जाती है, किस प्रकार के उद्योग हैं, किस प्रकार की नदियां बहती हैं, ये सारी चीज क्या है, उस क्षेत्र का आप भौगोलिक स्थिति कह सकते हैं। और यही वो स्टेज कह सकते हैं जहां पर ये दोनों व्यक्ति अपना परफॉर्मेंस देंगे, अर्थात अपने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक पहुंचाएंगे। तो मेरे अनुसार ज्योग्राफी एक स्टेज प्रोवाइड करता है, कि स्टेज बनाता है। वो स्टेज क्या है? वो स्टेज है भौगोलिक स्थितियां। और उस स्टेज पर रहने वाले लोग हैं कलाकार, और वो कलाकारों की जो कहानी है अर्थात जीवन से मृत्यु, उस कहानी का परफॉर्मेंस इसी स्टेज पर वो देते हैं, अर्थात इसी भौगोलिक स्थितियों पर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार का स्टेज अर्थात अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति, अलग अलग प्रकार के कलाकार ही परफॉर्म कर पाते हैं अलग अलग प्रकार की कहानी को। तो इस प्रकार से हम इसे और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि दोनों में भिन्नता क्या है। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द पॉइंट, हम यहां पर लेकर आते हैं कि वो भिन्नताएं क्या होंगी, वो तथ्य क्या होंगे जिसके आधार पर हम स्टडी करते हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भूगोल पढ़ना क्यों चाहिए, भिन्नताओं को जानना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको कह दिया कि हम लोकेशन एंड एक्सटेंट देखें तो दोनों की कहानी कुछ अलग से होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें भूगर्भिक संरचना, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो चट्टानों की संरचना है वो गुजरात में पाए जाने चट्टानों की संरचना से भिन्न है। तो अगर भिन्नताएँ हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जो चट्टान, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बने किसी और अवधि पर, किसी और यहाँ पर एक्टिविटी के कारण निर्माण हुए, और इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण ही हम ये पाएंगे कि वहां पर खनिज पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। अगर अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं तो, और अलग अलग प्रकार के खनिजों के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के उद्योग वहां पर निर्मित हो सकते हैं। तो अगर आप ये भिन्नताएं नहीं समझ पाएंगे, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर, दो अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्रों में किस प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार के खनिजों का दोहन करके या फिर किस प्रकार के उद्योग का स्थापना करके मैं वहां के आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकूं। इसलिए आपको भिन्नताओं को जानना जरूरी है, और खासकर आपके राज्य में तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके राज्य में मैदानी क्षेत्र के साथ पठारी क्षेत्र भी पाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि कहीं पर लौह अयस्क तो कहीं पर कोयला भी मिलता है, और ये सारी चीज़ भिन्नताओं पर ही आधारित है। तो आपको भिन्नता समझनी है और वो भिन्नता के पीछे तथ्य समझनी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझाएंगे तब तक आप एक सफल सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। जैसे कि अगर आप अगली भिन्नताओं की बात करें, तो अगर अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है तो जो गुजरात है वो आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। दोनों ही क्षेत्रों पर जीवन अलग अलग हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य तौर पर आप कहते हैं कि वहाँ पर जीवन जीने की जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी प्रतिकूल होती है, थोड़ी सी जटिल होती है। आप वहाँ पर कृषि भी करेंगे तो भी जटिल होगा। आप सामान्य तौर पर वहाँ पर मोटरसाइकिल भी चलाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर वहीं मैदानी क्षेत्र पर आप किसी भी प्रकार की गतिविधि करते हैं तो थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो ये भिन्नताएँ आपको समझनी है। आगे अगर आप देखें तो दोनों ही क्षेत्रों पर अपवाह तंत्र भी अलग अलग है। वहीं कहीं पंजाब पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नदी आपको बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, खासतौर पर आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी की अपवाह तंत्र आपको मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश पर चले जाएँ तो वहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी देखने को मिलेगी। दोनों ही नदियों
का जो मार्ग है वो वहाँ के भौगोलिक विभाग, भौगोलिक डिवीजन, फिजिकल डिवीजन के आधार पर ही निर्मित हुए हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की नदियों को देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर नदियाँ जो हैं उनके पानी का जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उनका जो फोर्स होता है, जो फ्लो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर उन्हें ढाल तीव्र मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं पंजाब या फिर गुजरात जैसे राज्यों पर देखें तो यहाँ पर ढाल कम हो जाने के कारण आपको नदियों का जो बहाव है, जो ताकत है, जो तेज है, वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि नदियों के पानी का ताकत बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, खासकर जब आप जल विद्युत जैसी मांग को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें तो ये भिन्नताएं भी आपको जाननी ज़रूरी है। आगे अगर आप देखें तो जलवायु, अगर अरुणाचल प्रदेश पर आप बात करें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक स्थिति वैसी है, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र वैसा है, वहाँ पर घने जंगल हैं, घने वन हैं। लेकिन अगर आप गुजरात के बारे में देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सामान्य तौर पर तुलनात्मक रूप से वर्षा की मात्रा कम होती है और आपको वहाँ पर घने वृक्ष या घने वनस्पति देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी आधार पर वर्षा की मात्रा, तापमान की मात्रा, ग्रीष्म ऋतु का आगमन, शीत ऋतु का आगमन, इन सारे परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों पर जैसे कि अरुणाचल और गुजरात जैसे राज्यों में आपको लोगों के जीवन शैली में भिन्नताएं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप क्लाइमेट समझ लेते हैं तो अब इन सारे चीजों पर आधारित अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल डिवीजन, अपवाह तंत्र और जलवायु, इन सारे कारकों के आधार पर जो अगली यहाँ पर भौगोलिक स्थिति निर्मित होती है वो होती है मृदा पर। मृदा कैसे बनती है? मृदा अगर आप समझें तो मृदा देखेंगे कि वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बनती है अर्थात चट्टानों के टूटने से बनती है। कई बार आप देखेंगे कि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण के द्वारा, डिपोजिशन के द्वारा भी वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है जिसे आप जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं या फिर एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो अगर दोनों ही जगहों पर अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग वहाँ पर स्थल आकृतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के ढाल है, अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार के आपको मृदा भी देखने को मिलेंगे और इसी भिन्नताओं को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं कि आपको वनस्पति कैसे देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसा फिजिकल डिवीजन, जैसे कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश पर देखें तो यह व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो यहाँ पर इसको क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा पानी, और बहुत ज़्यादा पानी के कारण यहाँ पर घने वन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर गुजरात का व्यक्ति है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पानी देखने को नहीं मिलेगा तो वनस्पति भी वहाँ पर उसको उतना घना देखने को नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप कह दें तो आपको डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं गुजरात में, जिसमें जो कम पानी ग्रहण करने करता है या फिर कम पानी ग्रहण करने वाले क्षेत्र में उग जाता है। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो वहाँ पर आपको सदाबहारी वनस्पति देखने को मिलेगी जिसे कम से कम 250 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा चाहिए होती है उगने के लिए और विकसित होने के लिए। अब ये सातों पॉइंट जो आपने देखे, इन सातों पॉइंट को अगर आप CGPSC मेंस के सिलेबस पर जाकर देखें भारत के भूगोल वाले भाग में, तो ये आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के तौर पर देखने को मिलेगा या फिर भारत की भौतिक विशेषताओं के तौर पर देखने को मिलेगा। तो भारत के भौतिक विशेषताओं को आप अगर समझे किस तरीके से डील करना है तो यहाँ पर स्थिति एवं विस्तार को डील करना है, भूगर्भिक संरचना को डील करना है, वहाँ पर फिजिकल डिवीजन किस प्रकार के हैं अर्थात किस प्रकार की स्थल आकृतियाँ बनी हुई है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, ये सारी चीज़ डिस्कस करने हैं। अपवाह तंत्रों के बारे में डिस्कशन करना है, जलवायु अलग अलग क्षेत्रों पर किस प्रकार से भिन्न है वो डिस्कस करना है, और उसके बाद आपको मृदा और वनस्पति भी डील करना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो अभी हमने क्या किया, हमने भूगोल को सबसे पहले समझा कि भूगोल होता क्या है। तो भूगोल होता है भिन्नताओं का अध्ययन जो कि आधारित है तथ्यों पर, और ये सारे चीज़ क्या हैं, तथ्य। ये जो सातों पॉइंट आप देख रहे हैं वो तथ्य है जो एक भिन्नताओं का निर्माण कर रही है और उन्हीं भिन्नताओं को हम स्टडी करेंगे क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थितियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मांग होती है और उस मांग को पूर्ण करने के लिए हमें योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, और यही करने का उत्तरदायित्व एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को दिया जाता है या एक सिविल सर्वेंट को दिया जाता है। तो अगर आप इस विषय को नहीं समझेंगे तो आप भिन्नताओं को नहीं समझेंगे और आप अपनी ड्यूटी
सक्सेसफुली वहाँ पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए विषय आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इस विषय को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना होता है, और ये जो सारे तथ्य देखे, इन सारे तथ्यों को ही हमने CGPSC के सिलेबस में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखा है। अब अगर सिलेबस को और थोड़ा अगर हम खोलते हैं तो हम पाएंगे कि आगे क्या है, तो आगे है एग्रीकल्चर। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर आप भौतिक विभाजन समझ गए हैं, आप अपवाह तंत्र समझ गए हैं, जलवायु समझ गए हैं, किसी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना समझ गए हैं, मृदा समझ गए हैं, वनस्पति समझ गए हैं, तो वो सारे कारक आप समझ गए हैं जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर किसी भी क्षेत्र में कृषि इन्हीं तथ्यों के आधार पर होती है, इन्हीं विभिन्न तथ्यों के आधार पर विभिन्न हम यहाँ पर कृषि के पैमाने देखेंगे, अलग अलग फसलों का उत्पादन देखेंगे, और किस प्रकार के कृषि की पद्धति अपनाई जाती है ये भी हम देखेंगे। हम यहाँ पर फर्दर अगर बाइफरकेट करें कृषि वाले पार्ट को सिलेबस में, तो यहाँ पर फसलें अलग से दी गई है, सिंचाई दी गई है, क्रांति दी गई है, और समस्याएं दी गई है। तो इन सारे चीज़ को जब आप डिस्कस कर लेंगे तब आप कृषि को कंप्लीट कर लेंगे दिए गए सिलेबस के आधार पर, और ये सारी चीज़ आप तब कंप्लीट कर पाएंगे जब आप फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया समझ लिए होंगे, क्योंकि कृषि समझने के लिए आपके पास अब पर्याप्त जानकारी पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं, और कृषि करने के बाद अगला जो सिलेबस में भाग दिखता है वो दिखता है खनिज संसाधन मिनरल। तो जाहिर सी बात है कि भौतिक विभाजन अगर आपने देख लिया, भौतिक विभाजन देख लिया, अपवाह तंत्र देख लिया, जलवायु देख ली, भूगर्भिक संरचना देख ली, मृदा देख ली, वनस्पति देख ली, तो फिर आपको वही कहूँगा कि वो सारे कारक आपने देख लिए जो खनिज संसाधन के लिए ज़रूरी है, उसे समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप खनिज संसाधन पर चले और आप आयरन ओर को देखें, तो आयरन ओर कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा धारवाड़ शेल समूह पर, अर्थात यहाँ पर आपको जो जानकारी चाहिए वो भूगर्भिक संरचना की चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सिर्फ भूगर्भिक संरचना के कारण वो लौह अयस्क का निर्माण हुआ है, तो आप देखेंगे कि नहीं, वहाँ पर एक लंबे समय तक तापमान और वर्षा और इन सारे जलवायु परिस्थितियों ने अपनी कुछ भूमिका दी है जिसके कारण वहाँ पर लौह अयस्क मिला है। आप देखेंगे कि अपवाह तंत्र भी अपनी भूमिका देता है, क्योंकि ये जो लौह अयस्क है एक प्रकार का डिपोजिशन है, किसका, उन सेडिमेंटेशंस का जो आर्कियन शेल समूह से निकलकर कहीं पर जाकर जमा हो गए हैं। और वनस्पतियों के कारण भी कुछ प्रभाव हमको अलग अलग प्रकार के खनिजों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वनस्पति वहाँ पर आकर किसी भी धरातल पर आकर गिरते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी दिनों तक जम जाते हैं और अपनी जो प्रकृति है उसे भी वहाँ पर वो छोड़ जाते हैं, जिससे चट्टानों पर हमें कुछ अलग प्रकार की विशेषता देखने को मिल जाती है। तो हम खनिज में क्या क्या डील करने वाले हैं, तो हम डील करने वाले हैं पहले तो खनिज भंडार, अलग अलग प्रकार के खनिजों का, फिर उसके बाद बात करने हैं कि खनिजों का उत्पादन कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद कौन कौन से प्रकार के खनिज जो हैं वो कौन कौन से क्षेत्र पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर, भिन्न भिन्न स्थिति पर हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। जब हम सिलेबस पर आगे बढ़ें तो ऊर्जा संसाधन पर हम कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, हम तापीय विद्युत पढ़ेंगे, थर्मल पावर पढ़ेंगे, परमाणु शक्ति एटॉमिक एनर्जी पढ़ेंगे, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ को डील करते हुए आप ऊर्जा संसाधन कवर कर लेंगे। अब अगर आप आगे बढ़ें तो आप क्या पाएंगे कि किसी भी एक क्षेत्र पर अगर आप खनिज समझ गए हैं कि किस प्रकार की खनिज वहाँ पर मिलती है, आप ऊर्जा समझ गए हैं और आप वहाँ पर कृषि भी समझ गए हैं और बाकी सारे फिजिकल फीचर तो आपके क्लियर हो चुके थे, तब आप समझ पाएंगे कि अलग अलग क्षेत्र पर उद्योग किस प्रकार के होते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के उद्योग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों पर ही क्यों पाए जाते हैं, और इसे डील करेंगे फर्दर बाइफर्केटेड टॉपिक में। तो सबसे पहले भारत में उद्योगों के विकास एवं संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, बड़े मध्यम एवं लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जो उद्योग के क्षेत्र हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि वन व खनिज आधारित उद्योग, अर्थात कृषि आपको पता है, वनस्पति आपको पता है क्योंकि आपने फिजिकल फीचर में पढ़ लिया है, और आपको खनिज संसाधन भी पता है, तो इन पर आधारित उद्योग भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जैसे ये अलग अलग कारक आपको मिलेंगे वैसे ही अलग अलग प्रकार के उद्योग आपको वहां पर देखने को भी मिलते हैं।
जब ये सारी चीज आप समझ जाएंगे तो अंतिम में क्या बात आती है, अंतिम में आती है मानवीय विशेषताएं। अब ये मानवीय विशेषताएं में आप जनसंख्या जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, प्रवास, व्यवसाय, नगरीकरण जैसी चीजों को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक क्या किया, आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा जिसे आप फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहा, फिर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा जिसमें आपने कृषि पढ़ा, आपने खनिज संसाधन पढ़ा, आपने ऊर्जा संसाधन पढ़ा और उसके बाद आप उद्योग पढ़े, तो ये हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद जब आप फिजिकल फीचर समझ गए, आप इकोनॉमिक एंगल समझ गए, तब आप वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जब तक पढ़ेंगे तब तक आप लोगों की रुचि इस विषय में बनी रहेगी और मेरी आशा है कि बेशक वो बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और अगले पड़ाव पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़रा नज़र डालते हैं, लेकिन उसके पहले भारत के भूगोल विषय पर कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं CGPSC मेन सिलेबस पर, उस पर ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत का भूगोल टोटल आपको 50 नंबर का देखने को मिलेगा और ये पेपर 5 के कहाँ पर, पेपर 5 के भाग 2 पर आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 2 पर। देखिए, एक तरफ मैं एक कॉलम बना देता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन का और दूसरे तरफ बना देता हूँ कि कितने मार्क्स रहते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 नंबर के, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन के हो जाएंगे 12 मार्क्स। वहीं आप अगर 4 नंबर वाले देखें तो 3 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, यहाँ पर भी आपको 12 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। और वहीं आप अगर 8 नंबर वाले क्वेश्चन पर जाएं तो आपको यहां पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल आप मैक्सिमम 16 मार्क्स यहां पर स्कोर कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन पर जाएं तो एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा और आप उसमें मैक्सिमम 10 नंबर लेकर आ सकते हैं। तो अगर इन सारे चीज़ों को मैं जोड़ दूँ तो आप देखेंगे कि 12, 24, 16, 40 और 10 हो गया 50, तो 50 नंबर टोटल हमारा यहाँ पर बन जाता है भारत का भूगोल विषय में। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो अधिकतम शब्द सीमा रहेगी वो 30 शब्दों की रहेगी। 4 नंबर वाले क्वेश्चन पर 60 शब्द रहेंगे। 8 नंबर वाले क्वेश्चन पर आपको अधिकतम शब्द सीमा 100 देखने को मिलेगी और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा वहां पर आपको 125 शब्द दिखेंगे मैक्सिमम वर्ड के तौर पर। तो इस तरीके से हम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन और कितने शब्दों को आपको इसमें लिखना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पर किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये पहला सेक्शन है और पहले सेक्शन पर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसमें 30 वर्ड पर आपको लिखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, विच आर द मेन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द जनरल स्लोप एंड व्हाई। तो यहाँ पर 2 नदियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो विपरीत दिशा में बहती है, लेकिन ये नदियाँ कहाँ की हैं, तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ के। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर बताना है नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में, क्योंकि अगर आप प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन इन नदियों का जो बहाव है, जो नदी मार्ग है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होता है और खंभात की खाड़ी पर जाकर अरब सागर से मिल जाता है। तो अब ये ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे आपको जो टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करना होगा वो होगा भ्रंश घाटी, जिसे आप फॉल्ट वैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आपको अगर 2 नंबर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा मैप बनाना होगा। देखिए, ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो आप ध्यान में नहीं रखते वो है मैप डायग्राम। मैप डायग्राम के आधार पर, उसके इस्तेमाल से जितना ज़्यादा आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि आप जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो आपकी भाषा शैली का स्तर, आपका टू द पॉइंट होना और साथ ही साथ आपके बातों का प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर, ये 3 पिलर के तौर पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको एक छोटा सा मैप बनाना होगा, छोटा सा, साइड में 3 लाइन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप छोटा सा मैप वहाँ पर बना सकते हैं, एकदम रफ मैप बना सकते हैं और वहाँ पर आप नर्मदा और तापी को वहाँ पर बहता हुआ दिखा सकते हैं और उसके पीछे जो कारण है वो है फॉल्ट वैली, रिफ्ट वैली, इसे आप वहाँ पर जरूर लिखेंगे। भ्रंश घाटी, इसको लिखे बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताना होगा, जैसे आपको दिशा के बारे में बताना होगा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, भले ढाल क्या है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्यों बहता है? क्योंकि भ्रंश घाटी को ये अपना नदी मार्ग बनाकर बहता जाता है। फिर जब आप करेवा के बारे में बात करेंगे तो आप बताएंगे कि करेवा क्या है, तो ये एक डिपॉजिट है, निक्षेपण है
और यहाँ कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है कश्मीर वैली पर, कश्मीर घाटी पर। और ये किस लिए फेमस है, तो ये सैफ्रॉन की खेती के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि केसर की खेती के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये तीन चार पॉइंट अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आ रही है कि किस दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है, तो देखिए 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है पॉपुलेशन में भारत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो डिकेडल ग्रोथ थी, तो दशकीय वृद्धि थी, वो नकारात्मक थी। क्योंकि अब यहाँ पर क्यों भी पूछा हुआ है, तो क्यों आपको जवाब देना है और ये पॉइंट पर आपको देना है। देखिए जब भी आपसे कारण, महत्व या फिर आप विशेषता, ऐसे सारे शब्द आपसे पूछे, तो आप इसे पॉइंट पर रिप्रेजेंट करें। पॉइंट पर रिप्रेजेंट करने से सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको इतने सारे यहाँ पर कारण पता है। आप अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो कितने कारण लिखे हैं वो खोजने के लिए जांचकर्ता को थोड़ी मेहनत करनी होगी, और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम जांचकर्ता को कम से कम मेहनत करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुश करेंगे, जिससे वो खुशी के मारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें दे दे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप दो नंबर वाले क्वेश्चन पर टू द पॉइंट रहेंगे, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखेंगे। ये मायने नहीं रखता कि आप उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, का महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप अपने पूरे ज्ञान के भंडार को छोटे से शब्द सीमा पर कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे इस पूरे CGPSC मेंस के मोबाइल कोर्स पर। तो इस तरीके से हमारी रणनीति बनने वाली है। आगे बढ़े तो मंग्रेव वेजिटेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर मिलता है, तो तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। इसका विस्तार अगर आप देखें तो हम देखेंगे कि सुंदरबन डेल्टा पूर्व से लेकर हमें ये गुजरात तक देखने को मिलेगा, पश्चिम तक। तो इसे भी आप छोटा सा मैप रिप्रेजेंटेशन करके वहाँ पर लिख सकते हैं। छोटा सा मैप बनाने को कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा मैप कैसे बनेगा, वहाँ पर जगह बहुत कम होता है। देखिए छोटा सा मैप बनाएंगे, दिख रहा है आँखों से, इतना मायने रखता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। उत्पादन के क्षेत्र आपसे पूछा गया रबर के बारे में, जो छठवां क्वेश्चन है, तो यह बता देंगे नीलगिरी घाटी के पे, आप वहाँ पर विस्तार बता देंगे। और जो वहाँ पर प्रमुख राज्य है, जो नीलगिरी जो आपके पर्वत है, ये पर्वत जो है मुख्य रूप से तीन राज्यों पर विस्तृत होता हुआ दिखता है हमें। ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु पर देखने को मिलता है, और यही वो राज्य है जहाँ पर रबर का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे, चार नंबर वाले क्वेश्चन थे, जिसमें 60 वर्ड आपको मैक्सिमम वर्ड लिमिट दी गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कि ऊटी और शिमला की जो ऊंचाई है लगभग समान है, अर्थात जब आप उनका मीन सी लेवल से ऊंचाई देखते हैं तो हमें ये समान ऊंचाई पर दिखता है, फिर क्यों शिमला जाड़े में उटकमंड या फिर आप ऊटी की अपेक्षा सर्द और गर्मी में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो ये ठंडी के समय पर ज़्यादा ठंडा क्यों रहता है शिमला, और गर्मी के समय पर ज़्यादा गर्म क्यों रहता है शिमला, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके पीछे कारण आप क्या क्या बताएंगे, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि उनकी अक्षांशीय स्थिति, जैसे कि अगर आप शिमला को देखें तो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है ये हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास देखने को मिलेगा, और वहीं अगर आप ऊटी की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो थोड़ा ये इक्वेटर के पास होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें जो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट काम करता है वो करता है समुद्र से दूरी। देखिए समुद्र से दूरी जो भी यहाँ पर भू आकृति होगी उसमें समुद्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, और जहाँ पर समुद्र का प्रभाव देखने को मिलता है वहाँ पर जो जलवायु होती है या जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा, ना तो ज़्यादा होता है ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये सारे चीज़ वो कंसेप्चुअल वे पर हम कब पढ़ेंगे, जब हम जलवायु कर रहे होंगे तो, और कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे, कैसे पॉइंट वाइज हम यहाँ पर चार पाँच कारण को उकेरेंगे। भारत में शिशु मृत्यु दर के क्षेत्र कौन से थे ये भी पूछा गया है, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है। फिर आपसे ये पूछा गया है पेट्रोलियम के क्षेत्रों का उल्लेख करें, तो अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि पहला जो क्वेश्चन था वो फिजिकल ज्योग्राफी से लिया गया, दूसरा जो क्वेश्चन था वो ह्यूमन ज्योग्राफी से लिया गया, और जो तीसरा क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से लिया गया। तो आप ये तो पा रहे होंगे कि जो ज़्यादा वेटेज है, जो ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को एकदम अनदेखा कर दिया जा रहा है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उन क्वेश्चन से भी आपसे बहुत ही अच्छा और पॉइंट वाइज एकदम टू द पॉइंट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है CGPSC। आगे बढ़ते हैं, और 100 शब्दों वाले जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे, कि कैनल इरिगेशन के लिए
नॉर्दर्न प्लेन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो फेवरेबल क्यों है ये पूछा गया है, या फिर क्या क्या वो फेवरेबल कंडीशन है, और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ इरोजन पूछा गया है, जैसे शीट इरोजन, रिल इरोजन और ग्लेशियरेशन। तो अगर आप इसे अंतर करें तो देखिए, जो मृदा की जो अपरदन है उसकी मात्रा के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। जैसे अगर शीट इरोजन के बारे में आप बताएंगे तो बताएंगे कि पानी के छोटे बूंदों के कारण जो सब तट, मतलब जो अपर लेयर है, उस अपर लेयर का जब बहाव हो जाता है उसे आप शीट इरोजन कहेंगे। जब बड़ी मात्रा में मृदा का अपरदन होता है वर्षा के जल के कारण उसे आप रिल इरोजन कहेंगे, और जब बड़े बड़े खड्ड हो जाएंगे इस प्रकार का जब इरोजन होगा तो आप उसे ग्ल इरोजन कहेंगे। तो इन सारे चीज़ों को अलग अलग आप एक्सप्लेन करेंगे मैप के साथ, डायग्राम के साथ, और वो कैसे बनाया जाएगा डायग्राम, वो सारे चीज़ को हम इस प्रोग्राम सीरीज में कवर करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है डिफरेंट, या फिर एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फॉरेस्ट टाइप्स एंड क्लाइमेट इंडिया, अर्थात जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो वनस्पति है, जो वन है, उसे एक्सप्लेन करने को कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि जिस क्षेत्र पर अधिक वर्षा होती है या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें सदाबहारी वन दिखते हैं, जब वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है तो अर्ध सदाबहारी वन देखने को मिलते हैं, जब वर्षा की मात्रा और कम हो जाती है तब हमें वहाँ पर आद्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, जब वर्षा की मात्रा और कम हो जाती है तो वहाँ पर शुष्क पर्णपाती या फिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और ऐसे ही वर्षा की मात्रा गिरते गिरते हम ये देखेंगे कि हमें कटीले वन तक मिलते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करने को कहा गया है तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैप रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भारत में साक्षरता के प्रादेशिक विभिन्नता एवं उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए, अर्थात भारत में अलग अलग क्षेत्र में जो हमें साक्षरता में भिन्नता दिखती है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये भी हम कहाँ देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट पर देखेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो ज्योग्राफी में पूछा गया था, 50 नंबर का आपके सामने रखा गया था, और बहुत ज़्यादा जटिल या फिर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आप व्यवहारिक समझ और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी इसका उत्तर काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर कैसे लिखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए किस प्रकार का उत्तर लिखना है, हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए किस प्रकार का उत्तर लिखना है, कहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, कहाँ पर पॉइंट लिखना है, किस प्रकार के टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से डायग्राम का प्रेजेंटेशन करना है, ये सारी चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए अगर मार्क्स आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो। और ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे, और खेल खेल में ही सारी की सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब बात करते हैं रणनीति की, कि रणनीति क्या होनी चाहिए भूगोल विषय को ख़त्म करने की, ये आखिरी पड़ाव है। तो रणनीति आपको ऐसी बनानी है कि आपको इस वीडियो को देखते समय, हर एक पर्टिकुलर को वीडियो को देखते समय एकदम बौद्धिक चैतन्यता के साथ बैठना होगा, एकदम कंसंट्रेटेड बैठना होगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखते जाएंगे तब इस विषय के सिर्फ आप फैक्ट फैक्ट को रटने का तरीका नहीं समझेंगे, आप उस विषय के ब्रॉड कंसेप्ट को भी समझेंगे और उस ब्रॉड कंसेप्ट में उस फैक्ट को भी निकालेंगे। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डील कराता जाऊँगा उन क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसे लिखते जाएंगे, अपना अभ्यास करते जाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आप एक पेपर शीट में करते जाएंगे। ये पेपर शीट एक प्रकार का सिनोप्सिस तैयार होगा जो आखिरी में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो रणनीति यही है कि वीडियो को एकदम कंसंट्रेटेड वे में देखना है, जो भी क्वेश्चन आपको डील कराया जाएगा उस क्वेश्चन को आपको एक पेपर पर उकेर लेना है, जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आपको बताई जाएगी उसको आप स्पष्ट तौर पर वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जब आप मेंस का एग्जाम लिखने जाते हैं तब आपको पता तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो उस आंसर में डालने हैं वो वर्ड्स उस समय आपके दिमाग में नहीं आते, लेकिन अगर आपने वो पेपर पर लिख रखा हुआ है और अगर आप उसे बार बार देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चिपक जाता है, रिटेन हो जाता है, और जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पर आपके हाथों में चला आता है और वो पन्नों पर लिखा जाता है। तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहेंगे, मेरी स्ट्रेटजी को एकदम अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि ज्योग्राफी के पेपर पर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा आप करते जाएंगे तो। तो चलिए ज्योग्राफी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे,
और जो इम्पोर्टेंट या फिर जो बेसिक चीज़ होगा पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम जंप कर जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी पर। बेसिक चीज़ों को समझते हुए जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पर पहुंच जाएंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी के सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।